हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड अपडेट्स के बारे में। ये ऐसी बॉलीवुड की न्यूज़ हैं जिनको सुनकर मैं काफ़ी एक्साइट हुआ, एंड आई होप कि आपको भी ये सब अच्छी लगेंगी और आप इनको जानकर काफ़ी एक्साइट होंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्पेशल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से अब आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया है, मतलब कि धारा 370 को हटा दिया गया है। और अब एक बहुत ही अच्छी खबर है कि जो हमारे बॉलीवुड के ए लिस्टर्स हैं, उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर में फिल्म्स की शूटिंग पहले की तरह हो और जम्मू एंड कश्मीर को फिल्म शूटिंग के लिए एक हॉटस्पॉट में बदला जाए। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ कुछ ए लिस्टर्स, जिसमें कि सुपरस्टार आमिर खान, सुपरस्टार डायरेक्टर राजकुमार हिरानी वगैरह, श्रीनगर गए थे और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां के गवर्नर के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब के बाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसके तहत जो जो लोकेशंस फिल्म शूटिंग के लिए सूटेबल हैं और वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं, उन लोकेशंस की पूरी लिस्ट है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है कि हमारा स्पेशल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर दोबारा से फिल्मी लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है। और एज़ वी ऑल नो दैट कश्मीर इज़ द पैराडाइज ऑन अर्थ, तो जो लोग स्विट्ज़रलैंड में या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर शूटिंग करते थे, उनका बजट भी बचेगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उस स्टेट की एज एन इंडिविजुअल स्टेट एक अलग पहचान भी बनेगी। दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायरेक्टर हंसल मेहता, जिन्होंने इससे पहले शाहिद, सिटीलाइट्स और अलीगढ़ जैसी हार्ड हिटिंग फिल्म्स बनाई हैं, उनकी नेक्स्ट फिल्म का नाम है फराज। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि फराज कहानी है जुलाई 2016 में बांग्लादेश के एक शहर में हुए आतंकवादी हमले के बारे में, जिसने कि पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। उस घटना में हुआ ये था कि बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में कुछ आतंकवादी घुस के आए और एक कैफे के अंदर उन्होंने 50 लोगों को हॉस्टेज बना के रखा, वो भी तकरीबन कोई 12 घंटे के लिए। तो जहाँ तक इस फिल्म की कास्टिंग की बात है, तो इट स्टारिंग आदित्य रावल एंड द डेब्यूटेंट जहान कपूर। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है शाहिद कपूर के फैंस के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपके फेवरेट सुपरस्टार शाहिद कपूर, जो कबीर सिंह की सक्सेस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उनके पास 3-4 बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऐसे में सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले अब्बास अली जफर ने उनको अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए साइन कर लिया है, एंड इट विल बी एन एक्शन थ्रिलर फिल्म। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दोस्तों, अगली न्यूज़ काफ़ी एक्साइटिंग है और वो ये है कि दिल चाहता है, डॉन और लक्ष्य जैसी उम्दा फिल्में डायरेक्ट करने वाले फरहान अख्तर अपना एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेके आए हैं ऑन द लाइंस ऑफ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसको डायरेक्ट किया था उनकी सिस्टर जोया अख्तर ने। तो दोस्तों, इट विल बी अ रोड ट्रिप इंक्लूडिंग 3 फीमेल स्टार्स, और इसमें कास्ट किया गया है प्रियंका चोपड़ा को, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ को। तो दोस्तों, जैसा कि जोया अख्तर ने फिल्म बनाई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो कि काफ़ी पसंद की गई थी, और उससे कई साल पहले उनके भाई फरहान अख्तर ने भी मेल बॉन्डिंग पर एक बहुत ही उम्दा फिल्म बनाई थी दिल चाहता है, स्टारिंग आमिर खान, अक्षय खन्ना एंड सैफ अली। फिल्म भी कॉल्ड एज जीले जरा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दोस्तों, अगली खबर है ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के फैंस के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंग बैंग और वॉर जैसी स्लीक एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर जनवरी 2023 में रिलीज होने जा रही है, एंड इट विल बी इंडियाज फर्स्ट एरियल एक्शन फिल्म। और मैं बताना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ आनंद आजकल फिलहाल शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान में व्यस्त हैं, जो कि एक एस्पोइनेज थ्रिलर है, एक स्पाई थ्रिलर है, और उसमें शाहरुख खान के साथ दिखाई देंगे जॉन इब्राहिम, दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा एंड डिंपल कपाड़िया। तो जैसे ही पठान की शूटिंग ख़त्म होती है, सिद्धार्थ आनंद
इमीडिएटली फाइटर की शूटिंग शुरू कर देंगे। दोस्तों एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ है एंड इट विल बी हेल्प्ड बाय आर बाल्की, जिन्होंने इससे पहले अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म चीनी कम और पा का डायरेक्शन किया है। तो दोस्तों ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी और जहाँ तक कास्टिंग की बात है तो इट विल स्टार सुपरस्टार सनी देओल, पूजा भट्ट, साउथ सुपरस्टार दलकीर सलमान एंड ओटीटी सेंसेशन श्रेया धन्वंतरी। तो दोस्तों कास्ट बहुत ही बेमिसाल है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दोस्तों अगली न्यूज़ है ऐश्वर्या राय के फैंस के लिए। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं कॉल्ड हीरा मंडी, जिसका पहला एपिसोड खुद संजय लीला भंसाली डायरेक्ट करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कुछ प्रोस्टिट्यूट्स की कहानी होगी और इसमें संजय लीला भंसाली एक रोल के लिए सुपरस्टार रेखा को कास्ट करना चाह रहे थे, लेकिन अब न्यूज़ मिली है कि उस रोल के लिए रेखा को हटाकर अब ऐश्वर्या राय को साइन कर लिया गया है। तो दोस्तों इट विल बी ए फोर्थ कोलेब्रेशन बिटवीन संजय लीला भंसाली एंड ऐश्वर्या राय आफ्टर ब्लॉकबस्टर फिल्म्स लाइक देवदास, हम दिल ले चुके सनम एंड क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म गुजारिश। दोस्तों अगली खबर है सलमान खान के फैंस के लिए। जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मलयालम फिल्म लूसीफर बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। तो इसके तेलुगू रीमेक में सुपरस्टार चिरंजीवी हैज बीन कास्टेड और बॉलीवुड के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि इसके हिंदी रीमेक के राइट्स खरीदे हैं सुपरस्टार सलमान खान ने। जी हाँ दोस्तों, ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दोस्तों अगली खबर है अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि द इंटर्न एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म है स्टारिंग एना हैथवे एंड सुपरस्टार रॉबर्ट डिनीरो। तो अब इसके हिंदी एडेप्टेशन के लिए अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण को साइन किया गया है। और मैं एडिशनली आपको बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थे, बल्कि इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया था ऋषि कपूर और दीपिका पादुकोण को। ऋषि कपूर जो कि रॉबर्ट डिनीरो का रोल प्ले करने वाले थे, उनकी अनटाइमली डेथ के बाद अब ये रोल चला गया है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पास। एंड दिस फिल्म विल बी डायरेक्टेड बाय बधाई हो फेम अमित शर्मा। और दोस्तों इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ है सुपरस्टार डायरेक्टर एंड वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के फैंस के लिए। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि राजकुमार हिरानी आजकल एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं बेस्ड ऑन द इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स इन कैनेडा। तो दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि इन्हें इस फिल्म के लिए साइन किया है शाहरुख खान और काजोल की मैजिकल ऑन स्क्रीन जोड़ी को। एंड अलोंग विद डैट कुछ और भी सीजन एक्टर्स होंगे जैसे तापसी पन्नू, विद्या बालन, मनोज बाजपेयी एंड बोमन ईरानी। सो दोस्तों लेट्स होप फॉर द बेस्ट, नथिंग हैज बीन कन्फर्म। तो जैसे ही कुछ कन्फर्म होता है आई विल गेट बैक टू यू। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। एंड आई नीड योर लव एंड सपोर्ट, प्लीज़ मैं आपसे इंसिस्ट करता हूँ कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।